नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के शब्द रथी कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मेरे साथ हैं जानी मानी लेखिका मधु काकरिया जी। मधु जी से हम आज उनके इस उपन्यास पर बात करेंगे जिसका नाम है ढलती सांझ का सूरज। यह उपन्यास सफलता, सार्थकता और किसान जीवन की वास्तविकता का द्वंद है, ऐसा इस उपन्यास के आवरण पर लिखा है। लेकिन यह उपन्यास इससे कहीं बहुत ज्यादा है। मैं इस उपन्यास को अभी पढ़ा हूं और इसीलिए मेरा मन हुआ कि मैं बुक कैफे में इसकी चर्चा करने की जगह इसके रचनाकार से बात करूं कि इस उपन्यास में जिस तरह की संवेदनाओं का उच्च भाव, जिस तरह के मानवीय मूल्य, जिस तरह का दर्द पीड़ा, जिस तरह का जमीनी जुड़ाव दिखता है, वह बिना बातचीत के मेरे यानी बतौर समीक्षक या बतौर पाठक अगर मैं आपके सामने लाता तो शायद उस रूप में नहीं आ पाता जिस रूप में मधु जी बताएंगी। पहले मधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस उपन्यास के बारे में आपने, यह उपन्यास बहुत सारे लोगों को समर्पित किया है। वैभव मंधारे जी को समर्पित किया है, मुंबई में तकनीशियन है एक यार्ड में। आपने बाला साहब को समर्पित किया है जो किसानों के निमित्त बने आधारवर्ड फाउंडेशन के संस्थापक सदस्य हैं। दीपेश टांग को किया है, अशोक जोगाड़ी को किया है, अपने बेटे को भी किया है। इस उपन्यास की रचना प्रक्रिया के बारे में बताएं पहले। जयप्रकाश जी, ऐसा हुआ था कि मैं लगातार किसानों के बारे में पढ़ तो रही थी। मैं उन दिनों बंबई में थी तो लगातार उनकी आत्महत्याओं के बारे में मैं पढ़ रही थी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उन सत्यों तक कैसे पहुंचूं। और उसी समय मैंने नाना पाटेकर का एक वक्तव्य पढ़ा था जिसमें वो लोगों से अपील करते हैं कि यदि बंबई के स्टेशन पर कोई भिखारी आपको मिल जाए तो आप इसको उसको दुत्कारिएगा मत, हो सकता है वो कोई किसान। तो इस अपील ने जैसे मुझे बहुत विचलित किया और मैं सोचने लगी कि कैसे मैं किसानों के जीवन के सत्यों तक पहुंच सकती हूँ। तभी संयोग से ऐसा हुआ कि हमारे मेरे पुत्र और उनके तीन चार दोस्त काफी उत्साही नवयुवक थे और उन लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि वो जालना जिले में जाएंगे, किसानों के लिए कुछ करने का जज्बा ले। मैं सिर्फ सुन रही थी, वो यंग ग्रुप था तो मैंने दबी आवाज में बेटे से कहा कि मैं भी जाना चाहती हूँ। उन लोगों ने एकदम मना कर दिया कि नहीं, हम लोग तुमको नहीं ले जाएंगे, कहाँ धूप होगी, कहीं क्या होगी, दिन भर हम लोग की काफी रफ एंड टफ जर्नी होगी। तो फिर मैंने कहा कि देखो, तुम लोग क्यों जा रहे हो, तुम लोगों ने उनके बारे में पढ़ा है ना। तो मैंने उसे दिखलाया कि पी साईनाथ की रिपोर्ट लगातार हिंदू में छप रही थी और उसमें पी साईनाथ कहते भी हैं कि 2.5 लाख किसान तब तक आत्महत्या कर चुके थे, लेकिन मीडिया के लिए कोई मुख्य धारा की खबर नहीं थी। आप देखिए, फैशन के लिए, बाकी सारे चीजों के लिए, अभिनेताओं की जिंदगी के लिए सब जगह मीडिया है, चैनल है, लेकिन किसानों के लिए, उनकी ग्रामीण समस्याओं के लिए कोई चैनल नहीं था। तो बेटे को मेरी बात समझ में आई, जानता था कि माँ लेखिका तो है, तो वो ले गया मुझे। और संयोग ऐसा हुआ कि जब ये तीनों नवयुवक गए ना तो पूरा गाँव रिसीव करने आया और गांव के जो पंच थे वो भी आए। उनको था कि ये बच्चे कुछ करेंगे। फिर हम लोग गांव में गए जहां जहां आत्महत्याएं हुई थी, तो वो इतने छोटे घर थे कि बच्चे लोग तो घुस ही नहीं सके, मिट्टी के छोटे छोटे घर होते हैं। मैं महिला थी तो मैं उनके अंदर घुस गई, तो मैंने वहां की महिलाओं से, उनकी पत्नियों से, उनके बच्चों से बात करी। तो आप देखिए, बड़ी विडंबना है, आप शहर में रह के नहीं समझ सकते हैं। तो मैं चार घरों में गई जहाँ आत्महत्याएं हुई थी। पहला घर ही संयोग से ऐसा था कि जहाँ सिर्फ 37,000 के लिए आत्महत्या हुई थी। मैं को हैदराबाद से कर्जा लिया हुआ था, वो अरुण गिरी का घर था और सोचिए उनके खुद के चार भाई और बेटा, उन सब पे रहते हुए हमने आत्महत्या करी। तो मैंने उनके भाई से पूछा कि देखो, चार भाई हो आपके, पुत्र हैं, तो क्या आपको, आपके भाई को लगा नहीं कि मैं आत्महत्या कर लूंगा तो उनका क्या होगा। तो उन्होंने कहा, मैडम जब कोर्ट, जब बैंक से नोटिस आती है ना
वो जो घर के बाहर चिपक जाती है, तो फिर किसान को कुछ नहीं दिखता है, ना परिवार दिखता है, ना बेटी दिखती है, उसे सिर्फ ये नोटिस दिखती है, क्योंकि किसान बहुत स्वाभिमानी होता है और जमीन उसकी कवच कुंडल होती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जब इन तथ्यों को जुटा रही थी, इन तथ्यों को जब आप कलेक्ट कर रही थी और जब आप किसानों के बीच जा चुकी थी, तो आपने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं सच्ची बात जब जान रही हूँ तो इसे रिपोर्टाज के तौर पर या एक सही किताब के तौर पर जाए, इसको इतिहास के रूप में लिखने की आप चाहती तो उसको एक शोध पुस्तक के रूप में भी दर्ज कर सकती थी। एकदम, मैंने पहले एक रिपोर्टाज लिखी थी जो तद्भव में निकली थी, उसमें मैंने सिर्फ इन जिन परिवारों में मैं गई, मतलब एक परिवार में तो दो आत्महत्याएं हुई, पहले पुत्र ने की फिर पिता ने की, 50,000 का खाली कर जाता। तो मैंने ये सारी रिपोर्ट पहले करी तद्भव में निकली थी, फिर उसको आपके नवनीत वालों ने रिप्रिंट किया, फिर बागत वालों ने इसके कुछ अंश छापे, तब मुझे लगा कि मुझे इस पर कुछ बड़ा लिखना चाहिए, तो फिर इस उपन्यास को मैंने अंजाम दिया। आपकी कहानी दो समानांतर धारा पे चलती है। इस उपन्यास का जो कथानक है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि वह स्विट्जरलैंड के परिवेश में, पाश्चात्य संस्कृति में, जो परिवार का मनोभाव है, जो वहाँ का एकाकीपन है, जो विकास है और जो आधुनिकता की तेज दौड़ती जिंदगी है जिसमें सिर्फ पैसा और पैसा है और दुनिया के सारे सुख और सुविधाएं, पूरी तरह से एक ऐसा समाज जो विकसित है, जहां भव्यता का, समृद्धि का कोई और छोर नहीं है। दूसरी तरफ उस समाज की बात करती हैं जो भारत का गवई समाज है, जो किसान है, जैसा कि मधुरी ने अभी बताया कि यह केवल औपन्यासिक रचना नहीं है, बहुत अर्थों में यह हमारे समय की सच्चाई है। यह आप उस परिवार से भी मिल चुकी हैं, हालांकि इस किताब में, इस उपन्यास में भी बहुत भावुक वर्णन है उन सारे कथानकों का जिनसे उन्होंने मुलाकात की है। 37,000 रुपए के लिए एक परिवार आत्महत्या कर लेता है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अविनाश के बहाने और अविनाश का जो अपनी माता से जो संबंध है, जो उसका लगाव है, और 20 साल बाद उसकी जो भारत में स्वदेश वापसी है, इस तरह का जो मार्मिक वृतांत है, उसकी सोच आपके दिमाग में कैसे आई कि मैं अब इन किसानों के जीवन को स्विट्जरलैंड से भी जोड़ दूं, माँ की ममता से भी जोड़ दूं, अपनी माटी के मोह से भी जोड़ दूं, और इतना अद्भुत। मैं आपको पहले तो शुभकामना और बधाई दूंगा, बहुत ही बांधने वाला उपन्यास है। इसको पढ़ते समय अगर संवेदनशील मन है तो वह निश्चित रूप से द्रवित होगा, रो भी सकता है बहुत बार। ये विचार कैसे आया कि मैं इसको इस रूप में ले जाऊं? जब प्रकाश जी, मैं स्विट्जरलैंड गई थी तो वहां जाके मैंने देखा कि इतना खुशहाल, इतनी आधुनिकता, इतनी समृद्धि, लेकिन तब भी जैसे मुझे पता चला, मेरे किसी मित्र ने बताया कि यहाँ स्विट्जरलैंड में सबसे अधिक आत्महत्याएं होती, और स्विट्जरलैंड दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ यूथनेसिया यानी मर्सी किलिंग वैधानिक, इसको मतलब कि वैधता प्रदान की गई है। तो मैं आसमान से गिरी, मुझे लगा क्या कारण है। तो मैंने देखा कि वहाँ जीवन है, वहाँ यौवन है, लेकिन जीवन की जड़ें गहरी नहीं है, क्योंकि तो उनके पास कोई बुद्ध और विवेकानंद नहीं है जो उन्हें बतलाए कि जीवन का मर्म क्या है, कि जीवन राम और काम के दो किनारों के बीच बहता एक संतुलन है। ये हमारी संस्कृति की विशेषता मुझे लगी। वहां मुझे लगा कि एक देह केंद्रित और भोग केंद्रित संस्कृति है, तो जब तक देह के माध्यम से वो भोग कर सकते हैं, उन्हें जीवन सुहाना लगता है, लेकिन जहां ही उनकी देह का उतार शुरू हुआ और वहां के जो युवक हैं, वो इस हद तक उनके अंदर में इंडिविजुअलिटी या कहिए आजादी या सुख है कि वो जीवन, उनके लिए जीवन एक अंगूर का गुच्छा है, उसके अंतिम जाम तक वो उसका आनंद लेते हैं, लेकिन जहाँ जीवन ढलना शुरू होता है वो एकाकी हो जाती है। तो वहाँ जीवन की जड़े गहरी नहीं है, वहाँ उनकी रूह प्यासी है, इसलिए वो आत्महत्या की ओर जाती है। जबकि भारत के किसान जो आत्महत्या करते हैं वो व्यवस्था की देन है, यहाँ इनका पेट भूखा है, वहाँ उनकी रूह प्यासी है। तो मुझे लगा कि ये दो संस्कृतियां हैं, यदि उनके पास जो अतिरिक्त है वो हमें मिल जाए,
और हमारे पास जो जीवन की समझ है, जीवन के सूत्र है, जीवन की सोच है, विवेकानंद है, बुद्ध है, पाइथागोरस है, वो उनको मिल जाए तो दोनों ही संस्कृतियां कहीं ना कहीं ज्यादा खुशहाल हो जाएगी। ये विचार मेरे दिमाग में आया था। नहीं, अविनाश कितना सच है, अविनाश नामक पात्र कितना सच है, और अविनाश की माँ जो उससे भी बड़ी आदर्श आपने इस उपन्यास में उनको रचा है। आपको अगर किसानों के जीवन को, आधुनिकता की दौड़ को, माँ और बेटे के प्रेम को, भारत के गवई समाज को, उस समाज में जीने वाले लोगों को, इसके साथ साथ जैसा कि आपने कहा कि स्विट्जरलैंड का समाज है, एक ऐसा देश जहाँ समृद्धि अपने चरम पर है, इसके बावजूद जहाँ आत्महत्या को वैधानिक अधिकार मिला हो कि हम मरना चाहें तो हम मर जाएं, वहां अकेलापन क्यों है? एक तरफ भूख से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, दूसरे तरफ समृद्धि से आत्महत्या कर रहे हैं। तो इन बातों को समझने के लिए आपको हमारी चर्चा की नहीं बल्कि इस उपन्यास की जरूरत होगी। इसे जब आप खरीदेंगे, पढ़ेंगे, तब आप जानेंगे, उसके मर्म को समझ पाएंगे। और जिस शैली और जिस शिल्प में लिखा है, जिस भाषा में लिखा है, जिस भाव में, जिस तरह से डूब कर लिखा है मधु जी ने, उनको बहुत बहुत मैं बार बार कितनी भी तारीफ करूंगा वह कम होगा, इसलिए आप इस उपन्यास को खरीदें। लेकिन अगर मैं इसकी कहानी को बताऊं तो एक लड़का है अविनाश, वो विदेश चला जाता है पैसा कमाने, स्विट्जरलैंड जैसे देश में जाता है और वहां पैसा कमाता है, वहां उसकी प्रेमिका भी हो जाती है, घर भी हो जाता है, बड़ा सा घर है और एक ऐसी जिंदगी जीता है जो फ्री है। लेकिन वह अपनी माँ से बातचीत करता रहता है। एक बार ऐसा होता है कि कुछ अरसे के लिए उसकी लैंडलाइन नहीं लगती है माँ से और 20 साल का अरसा बीत जाता है। वह सोचता है कि मैं जाऊंगा, माँ को ले आऊंगा, फिर वो सोचता है कि माँ अपनी जड़ों को छोड़कर नहीं आएगी। और जब उसको फोन नहीं मिलता है उस लड़के का, तो वह वापस अपने देश आता है और बम्बई के जिस घर से, जिस छोटे से घर से, मध्यवर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय घर में वो जाता है, दौड़ता है सीढ़ी पर, पड़ोसी को देखता है और वहां से ये कहानी को मधु जी ले जाती हैं। और वह मुंबई के बदली हुई मुंबई को, 20 साल पहले वाली मुंबई को जिसको छोड़कर वो गया होता है, वह मुंबई और आज की मुंबई, मतलब अपने देश में भी जो आधुनिकता के नाम पर बदलाव हुआ है, मधु जी ने उसका भी बहुत चित्रण किया है। और वह मुंबई से फिर महाराष्ट्र के गाँव में जाता है, गाँव से घूमते घूमते वह केरल तक जाता है और केरल से कन्याकुमारी जाता है और कन्याकुमारी से जब वो वापस आता है, इस पूरी यात्रा के बाद उसको पता चलता है कि उसकी माँ है या नहीं है, मैं ये नहीं बताऊंगा, यह आप उपन्यास पढ़िए तो जानिए, मैं कहानी यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। लेकिन वह लड़का उसके जीवन में इस यात्रा के बीच जो घटता है वह उसे अपनी जड़ों से जोड़ देता है। इस उपन्यास में कुछ तथ्य ऐसे हैं, जैसे कुछ पंक्तियां ली हैं, कुछ अलग अलग टुकड़े में कुछ शब्द पढ़ता हूँ। वह जो आपकी कमीज है किसी खेत में खिला, एक कपास का फूल है। इसके बाद वो लिखती हैं, दुख की भट्टी में एक हो चुके हर एक किसान की अपनी एक कहानी। इसी तरह से एक पन्ने पर आपने लिखा है कि किसान का चेहरा वह आईना है जिसमें सभ्यता का चेहरा झलकता है। गांव बालखड़ी की बात करती हूँ और पूरे उपन्यास में लोक कथा का जो जादुई माहौल है, स्विट्जरलैंड का जो बाजल है, वहां से किसानों की माटी का जो गीत है उसको मधु जी रचती हैं। मैं जो पुनः अपने उसी सवाल पर आता हूं कि क्या अविनाश और उसकी माँ का जो चरित्र चित्रण आपने किया है, क्या ऐसे किसी रियल पात्र से अपनी जिंदगी में आप मिली हैं? देखिए जय प्रकाश जी, कला कभी भी संपूर्ण सत्य नहीं होती, कला में हमेशा कल्पना रहती है ना, और कोई भी चीज एकदम हवाई हवाई भी नहीं होती है। तो ये आधी कला है, आधा सत्य है, आधा सुंदर है, आधा तथ्य है। आपका उद्देश्य क्या था इस उपन्यास को लिखने, आप क्या संदेश देना चाहती थी? क्योंकि ये केवल, मैं ये नहीं कह सकता कि ये केवल एक कथानक है जो आप लिख के रच के अपना स्वांतः सुखाए आपने कर लिया। निश्चित रूप से आप कोई संदेश देना चाहती थी, क्या संदेश है आपका इस उपन्यास से? क्योंकि ये केवल दो चीज मेरे सामने थी कि इस सदी में किसानों और मजदूरों, ये सदी किसान और मजदूर दोनों का खून भारी है, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। और दूसरा मुझे था कि जो संकट आज हमें किसान पर दिख रहा है वो संकट पूरी सभ्यता का संकट है। आप देखिए
जो धरती है उसकी कोख दिनों दिन बंजर हो रही है। धरती है उसकी कोख में हम हर दिन ये जहरीले पदार्थ डाल रहे हैं, तो धरती बंजर हो रही है और इसका पानी सूख रहा है। तो मुझे लगा कि आज तो किसान इससे व्यतीत है, लेकिन आने वाले समय में पूरी सभ्यता इसकी शिकार होगी, क्योंकि धरती सबको चाहिए, धरती का जल सबको चाहिए। और आज भी हम वर्षा की बूंद को नहीं बचा रहे हैं, धरती से जल खींच रहे हैं और धरती के अंदर इतना रसायन को जहरीला पदार्थ डाल रही है। तो मैंने इसीलिए लिखा कि जो किसान का चेहरा है वो सभ्यता का चेहरा दिख रहा है मुझे, तो पूरा संकट आने वाली सभ्यता पर है। तो दिमाग में मेरे ये साफ था कि इस किसान को यदि हमें बचाना होगा तो हमें आवाज उठानी पड़ेगी। नहीं तो आपने आप ये मानती हैं कि केवल उपन्यास के लेखन से या केवल कथा कृतियों से हम समाज में उस बदलाव, क्योंकि आपका जो पात्र है, जो नायक है, या जो दूसरी मतलब अविनाश और उसकी माँ जो ताई हैं, आपने उनको बहुत सक्रिय तौर पर दिखाया है कि वो जमीन पर जुड़ते हैं और वहां से बदलाव की शुरुआत करते हैं। वह अपने समृद्धशाली जीवन को छोड़कर वह लड़का अपनी माँ की प्रेरणा से गांव में बसता है। तो क्या आप ये मानती हैं कि इस उपन्यास से या हमारे समाज को ऐसे हजारों अविनाश किस रूप में सामने खड़े हो सकते हैं, उसके लिए क्या करने की जरूरत है? देखिए, ये जो नहर वाला मामला था या जहाँ कामथली में जो सड़क खुदवाई गई या तालाब खुदवाए गए, ये हमारे इन तीनों बच्चों के ग्रुप ने किया। और आप विश्वास नहीं करेंगे जयप्रकाश जी कि बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं पड़ी, क्योंकि सरकारी योजनाएं ऐसी है कि वो आपको हेल्प करती है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं। जरूरत है खाली एक इनिशिएटिव लेने की। किसान को क्या दरकार है, छोटी छोटी चीजें। एक नहर खुद जाए तो वो दो तीन फसल उगा सकते हैं। सड़क बन जाए, सरकार ने क्या किया, हाईवे बना दिए, हाईवे को उसने गांवों से नहीं जोड़ा है। अब गांव के अंदर जो किसान है वो 50-50 किलो का बोरा सर पे लादे हाईवे तक आते हैं, क्योंकि ट्रक तो अंदर जा नहीं सकता है, तो दुर्घटना के शिकार होते हैं, घुटना टूटता है, पांव टूटता है, कितना त्रासदीपूर्ण उनका जीवन है। और जरूरत क्या है, सिर्फ 200 मीटर की सड़क जो सिर्फ आपकी 80,000 रुपए बनती है। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि छोटे छोटे काम भी यदि हमारे नवयुवक करें। ये तीनों युवक कहाँ थे, बम्बई से गए थे ना, कितना समय लगा, हम वहां पे 2-3 बार गए, बाकी सारा काम वहां के ग्रामीण किसान कर देते हैं, आपको खाली उन्हें बतलाना होता है। सरकारी योजना है लेकिन लोगों को पता नहीं। नहर खुदवाई हमने तो कलेक्टर ने कहा 8 लाख का खर्चा आएगा, पता चला 4 लाख तो गवर्नमेंट ही दे देगी, 2 लाख वहां के किसानों ने दे दिया। तो छोटी छोटी चीजों से भी जीवन में बहुत खुशहाली आ सकती है। अब मैं आता हूँ आपकी रचनाओं पे, बाकी रचनाओं पे, क्योंकि आपने जितनी भी किताबें लिखी हैं उनमें बहुत सारी किताबें शांति, भाईचारा, प्रकृति, उन पर हैं। आप बार बार अपनी कहानियों और अपनी रचनाओं में शांति की तरफ जाती हैं। आपको क्या वाकई लगता है कि हमारी जो आज की सदी है वह बहुत ही असुरक्षित है, और वह किस तरह से आखिर बुद्ध और गांधी, ईसा मसीह, पैगंबर साहब, ये लोग भी अगर इस धरती को उस रूप में नहीं ला पाए जो जिस तरफ हम जाना चाहते थे, तो आखिर जो विध्वंस हो रहा है और जो शांति का रास्ता है, हम कैसे बच पाएंगे, आपको क्या लगता है? देखिए, मेरा पूरा विश्वास है कि ये सारी चीजें हम वापस पा सकते हैं, और साहित्य के माध्यम से। क्योंकि साहित्य क्या करता है, विचारों के बीच बिखेरता है। आज हमें दृष्टि जो मिली वो कहाँ से मिली, साहित्य से मिली। तो साहित्य का काम है कि धरती पर जो मनुष्यता है उसको बचाने की चेष्टा करना, विचारों के बीच बिखेरना। मैं ये नहीं कहती कि मैं उन साहित्यकारों में हूँ, लेकिन मेरा जो मानस का निर्माण हुआ है वो टॉल्स्टॉय, प्रेमचंद, हेमिंग्वे जैसे साहित्यकारों ने किया है। तो यदि युवा पीढ़ी साहित्य से संपर्क में रहेगी तो जीवन सुंदर जरूर बनेगा, विचारों के बीच बिखरे जाएंगे। कहीं ना कहीं साहित्य का तत्काल परिवर्तन नहीं दिखता है, लेकिन एक मानसिक क्रांति के लिए एक वातावरण, एक पृष्ठभूमि साहित्य तैयार करता है, ये मैं मानती हूँ। अभी आगे क्या लिख रही हैं? अभी कुछ नहीं लिख रही। और आपका बहुत सारा समय जो है वह तो बांग्लादेश और कहीं कहीं बीत जाता है, बांग्लादेश से आपका जुड़ाव क्या है? बांग्लादेश तो मुझे जाना पड़ा क्योंकि मेरे बेटे का ट्रांसफर हुआ, मैं वहाँ ढाका डायरी लिख रही हूँ। अच्छा, बांग्लादेश, हाँ, वो अभी लिख रही हूँ। इस
उपन्यास की भूमिका में आपने बाकायदा उस उन सारे संदर्भों का जिक्र किया है, किस तरह से आप गांव में गई, आपने देखा। निश्चित रूप से आपने एक बहुत ही अच्छा उपन्यास साहित्य जगत को दिया है और हम यह उम्मीद करते हैं कि पाठक हिंदी साहित्य जगत इसको हाथों हाथ लेगा और यह किताब अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, अधिक से अधिक पाठकों तक पहुंच सके, उन लड़कों के बीच भी पहुंच सके जिन्होंने अपनी माटी को छोड़कर गैर वतन को सिर्फ इसलिए चुना कि वे अपने जीवन को समृद्ध कर सकें, वे इसको पढ़ें, कमाएं, समृद्ध रहें, लेकिन अपनी माटी से जुड़ाव रख सकें। यह पढ़ने के बाद निश्चित रूप से यह पुस्तक अपने घरों की ओर लड़कों को, युवाओं को लौटा पाएगी, निश्चित रूप से किसानों को लेकर उनकी संवेदना बदल पाएगी, इसका मुझे विश्वास है। आप अपनी ओर से कुछ और कहना चाहें तो हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं, आपने कही दिया है मेरी बात। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि जीवन में आज जिस प्रकार युवा पीढ़ी सफलता की ओर दौड़ रही है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सफलता सिर्फ एक भ्रम है, असली चीज होती है सार्थकता, कि हमारे जीवन में हमारा योगदान क्या रहा, हमारे जीवन का ताप कितने लोगों तक पहुंचा। आप देखिए कि मैंने देखा था वहां पे स्विट्जरलैंड में इतनी आत्महत्याएं क्यों होती है, क्योंकि जीवन में कोई बड़ा मकसद नहीं है, जीवन में कोई सार्थकता नहीं है। तो जब आप जीवन में एक बड़ा मकसद होता है ना, जब बड़े स्वप्न होते हैं, तो आप देखोगे कि आपका खुद का जीवन भी आगे बढ़ता है, आपको एक सार्थकता की अनुभूति होती है जो आपको हर प्रकार के डिप्रेशन से, अवसाद से, अकेलेपन से मुक्त करता है। तो मैं हमेशा यह कहती हूँ कि जीवन सफल न भी हो लेकिन सार्थक होना चाहिए और हमारे जीवन का ताप लोगों तक पहुंचना चाहिए। हमारा जीवन सुंदर है या नहीं है, लेकिन यह जरूर होना चाहिए कि हमारे कारण लोगों का जीवन थोड़ा सुंदर बने, बस यही। बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत आभार। एक बेहद उम्दा कृति देने के लिए आपको मैं पुनः बधाई दूंगा। इस उपन्यास को पढ़ते हुए मैं उन भावों के साथ, उस जगह के साथ, उन लड़कों के साथ, उन किसानों के साथ, उन किसानों के दर्द के साथ, और केवल किसानों ही नहीं बल्कि नैन्सी के दर्द के साथ, स्विट्जरलैंड की वादियों में, वहां के बादलों में, वहां के संगीत में, उन सारी राहों पे गुजर सका। आप निश्चित रूप से उस दृश्य चित्र को खींचने में कामयाब रही हैं जिसको हम स्विट्जरलैंड से लेकर महाराष्ट्र के गांवों तक, कन्याकुमारी में समुद्र की लहरों तक महसूस कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपने दर्शकों से आग्रह करूंगा वे इस उपन्यास को जरूर खरीदें। राजकमल पेपरबैक्स ने इसको प्रकाशित किया है, मूल्य केवल 250 रुपये है। निश्चित रूप से राजकमल भी इस बात के लिए बधाई का पात्र है कि उसने एक महत्वपूर्ण कृति को बहुत ही सस्ते दाम पर पाठकों को उपलब्ध कराया है। 200 पृष्ठों का यह उपन्यास है, ज्यादा मोटा भी नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी हमसे जुड़ने के लिए। हम फिर जल्द ही आपसे आपके पूरे लेखन कर्म पे बात करेंगे। तब तक देखते रहें साहित्य।